हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये सूखी जलेबी। तो आइए करते हैं ये रेसिपी शुरू। मैं आपको अभी बता रही हूँ कि ये रेसिपी थोड़ी सी यूनिक होने वाली है, तो करते हैं शुरुआत। मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रही हूँ मैदा, एक बाउल मैदा लिया है मैंने यहाँ पे, दही आपकी ज़रूरत अनुसार। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सोडा, अब बाकी मैं इसमें डालूँगी दही। ठीक है, अब हमें इसमें जो है वो धीरे धीरे करके मैदा ऐड करूंगी। अब हम इसमें जो है वो फूड कलर डालने वाले हैं, तो मैं इसमें अभी डाल रही हूँ येलो फूड कलर। ओके, आपको फूड कलर इजीली अवेलेबल हो जाता है तो आप डाल सकते हो फूड कलर। एक बार ये हो जाए तो हमें इसे पूरी रात के लिए छोड़ना है। ठीक है, तब मैं इसे पूरी रात के लिए छोड़ दूंगी। अभी चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ चीनी, एक बॉल चीनी ले ली है मैंने यहाँ पे। और एक बॉल चीनी के लिए आपको दो बॉल पानी डालना है, मतलब अगर आपने एक वाटी चीनी ली है तो उसके हिसाब से आपको डबल करके उसमें पानी डालना है। ठीक है, अब मैं इसमें दो बॉल पानी डाल रही हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है और हमारी चाशनी रख दी है। हमारा जो पैटर था जलेबी का वो हो चुका है पूरी आधी रात। देखिए कितना अच्छी तरीके से ये फूला है, वाह देखिए ऐसा बिल्कुल ये होता है। आपको पूरी आधी रात इसको रखना है और अगली सुबह आप गर्मा गर्म जलेबी तल के खा सकते हो। तो हमारे एकदम रेडी है ये। अब मैं यहाँ पे हमारी चाशनी भी देखती हूँ, वाह ये भी एकदम परफेक्ट है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, एक तार की हमें बनानी है। देखिए एक तार तोड़ रही है, तो दैट्स गुड। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा बैटर। मैंने यहाँ पे यूज़ की है ऑयल की थैली, आप जो चाहें आपकी जलेबी की शेप आपको जैसे चाहे आप डाल सकते हो। अब देखिए मैं धीरे धीरे करके इसमें जलेबी, और जो हमारा जो मेन ट्विस्ट है मैं आपको वो एकदम बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि ये एकदम नया तरीका है जलेबी बनाने का। शायद अभी तक आपको ऐसी जलेबी कभी दिखी भी नहीं हो, और ये जलेबी एक बार करने के बाद 8-8 दिन भी टिक सकती है। तो आप ज़रूर ये रेसिपी को देखिए आखिरी तक। हमारी जो अच्छी तरीके से देखिए इन्हें अच्छी तरीके से जो है, वाह आप आपके हिसाब से बड़े या छोटे कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको निकाल देती हूँ। और ये रहा हमारा ट्विस्ट। मैंने जो है वो सारी जलेबी एक कढ़ाई में ले ली है और मैं इसके ऊपर से वो चाशनी जो हमने की थी वो डालूंगी। हमें इसमें पूरा जो है हम जलेबी को यूजुअली हम डिप करते हैं, पर मैं इसको बिल्कुल डिप नहीं करूँगी, हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। और इस तरीके से हमारी जो सूखी जलेबी है वो तैयार हो जाएगी, और ये 8-8 दिन भी टिकती है और एकदम न्यू रेसिपी है, और वो गीली नहीं है, एकदम सूखी है। और देख सकते हैं आप, और खाने में तो इतनी अच्छी लगती है, एकदम क्रिस्पी, एकदम एकदम टेस्टी। आप ज़रूर ये रेसिपी, एकदम यूनिक रेसिपी, अपने घर ट्राई कीजिएगा और कैसी रहेगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी।